हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज यूट्यूब सेशन। होप यू ऑल आर गुड। तो आज करेंगे हम डिस्कशन अबाउट द चैप्टर एसिड बेस एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, इसके 2024 के जेई मेंस के PYQs, बोथ जैन एंड अप्रैल शिफ्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टेटमेंट क्वेश्चन है, पहला, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक। तो अमोनियम कार्बोनेट क्या होता है? NH4 ट्वाइस CO3। तो सही बात है, अमोनियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिक होता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू। स्टेटमेंट टू क्या कह रही है? एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट सॉल्यूशन का pH कैसे निकालते हैं? pH इज इक्वल्स टू हाफ PKW प्लस PKa माइनस PKb, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ के एंड के बी। तो सही बात है, के एंड के बी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है? Ca3PO4 ट्वाइस, कैल्शियम पे +2 एंड फॉस्फेट पे -3। ये ब्रेक करेगा किस में? 3 कैल्शियम के आयन्स में, +2 फॉस्फेट आयन्स में। ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? 3s एंड 2s। इसके लिए Ksp कैसे लिखेंगे हम? Ksp होगा 3s की पावर 3, 2s की पावर 2। ये आ जाएगा 3 का क्यूब 27 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय s रेस टू पावर 5। यह आएगा 108 इंटू s रेस टू पावर 5। बट हमको s सॉल्युबिलिटी की टर्म्स में नहीं पूछा, हमसे पूछा है W/m। तो सॉल्युबिलिटी भी क्या है? कंसेंट्रेशन टर्म है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो लिखते हैं 108 सॉल्युबिलिटी की जगह गिवन मास W बाय मोलर मास m मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, क्योंकि ml में है तो कन्वर्ट कर देंगे लीटर में, 1000 से डिवाइड करके, होल रेस टू पावर 5, 20 से 20 कैंसिल। ये आ जाएगा 108 इंटू 10 रेस टू पावर 5 इंटू W/m रेस टू पावर 5। तो अब कहीं भी हमें 108 की टर्म्स में आंसर नहीं दिख रहा है, हमें तो 10 की टर्म्स में आंसर दिख रहा है। तो 108 को हम और कैसे लिख सकते हैं? सिंप्लीफाई करके 10 रेज टू पावर 2, नियर अबाउट 100 ही वैल्यू है, तो 10 रेज टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 W/m होल रेज टू पावर 5, जो कि आ जाएगा 10 रेज टू पावर 7 W/m रेज टू पावर 5, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अ प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अगेंस्ट अंडर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप। सही बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ कैसा होता है? डिक्रीजिंग स्लोप में होता है विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन। तो हमसे क्या पूछिए? यूनिट, करेक्ट यूनिट फॉर द स्लोप। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है? वाई एक्सिस पे मोलर कंडक्टिविटी है तो मोलर कंडक्टिविटी रखेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस एम एक्स, दैट इज वाई पर अंडर रूट, एंड एम इज ए। एम क्या है? कॉन्स्टेंट ए है। तो ए की यूनिट्स पूछी हैं, ए की यूनिट्स क्या आ जाएंगी? ए यूनिट्स फॉर ए विल बी, यूनिट्स फॉर ए विल बी सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 3/2 एंड लीटर रेस टू पावर हाफ। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज द इक्विलिब्रियम फॉर डाइक्रोमेट टू क्रोमेट आयन इज शिफ्टेड टू द राइट इन एसिडिक मीडियम बेसिक वीकली एसिड। तो हमको पता है क्रोमेट आयन से जब हम डाइक्रोमेट आयन में शिफ्ट करते हैं तो हमको क्या चाहिए होता है? एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, और डाइक्रोमेट से जब क्रोमेट में जाते हैं तो क्या चाहिए होता है? बेसिक मीडियम चाहिए होता है, यानी कि OH- चाहिए होता है। तो हमसे क्या पूछा है? उल्टा पूछा है, क्रोमेट से, सॉरी डाइक्रोमेट से क्रोमेट का पूछा है, तो बेसिक मीडियम चाहिए हमें। सो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज अ बफर सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट एंड एन एसिड और अ बेस मिक्स्ड इन एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो बफर सॉल्यूशन किसी भी एसिड किसी भी बेस के साथ नहीं होता, किसके साथ होता है? बफर की डेफिनेशन क्या है? बफर सॉल्यूशन कब बनता है? ईदर वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वीक एसिड ले रहे हैं तो उसका सॉल्ट बनाना पड़ेगा किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। और अगर वीक बेस ले रहे हैं तो इसका सॉल्ट चाहिए हमें किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ।
तो कोई भी एसिड कोई भी बेस नहीं चलेगा। स्पेसिफिसिटी है यहाँ पे कि वीक एसिड है तो उसका सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वीक बेस है तो उसका सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट टू क्या है? ब्लड इज नेचुरली अकरिंग बफर सॉल्यूशन हुज पीएच इज मेंटेन्ड बाय कार्बोनेट H2CO3 दैट इज बाई कार्बोनेट आयंस कंसेंट्रेशन। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा जो बॉडी के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है वो भी बफर की तरह एक्ट करता है कि हम जब भी कुछ फूड या कुछ भी आइटम कंज्यूम करते हैं अगर वो एसिडिक इन नेचर है तो हमारी पूरी बॉडी एसिडिक नहीं हो जाती, अगर वो बेसिक इन नेचर है तो हमारी पूरी बॉडी बेसिक इन नेचर नहीं हो जाती। तो बफर क्या करता है? उस एक्शन को एसिडिक और बेसिक एक्शन को होने नहीं देता, अपने पीएच को मेंटेन रखता है। तो फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट Ab2, Ab2 किस में ब्रेक करेगा? ये ब्रेक करेगा, अच्छा इसमें आयंस का पहली चार्ज दिया है तो A2+ है और B1- है, तो 1A+2 A2+ आयन प्लस 2B- आयंस में ब्रेक करेगा। और इनकी हमें कंसंट्रेशन भी दे दी ऑलरेडी, A की कितनी है 1.2 × 10⁻⁴ और B की कंसंट्रेशन कितनी है 0.24 × 10⁻³। तो इसके लिए बताना क्या है हमें? हमें बताना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि KSP बताना है। तो KSP कैसे लिखेंगे? S × 2S⁻²। तो अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी तो हमको ऑलरेडी दे दी, तो इसको पुट करते हैं 1 × 1.2 × 10⁻⁴⁴ मल्टीप्लाइड बाय 0.24 × 10⁻³² होल। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा केएसपी आएगा 6.91। केएसपी आ जाएगा सॉल्व करके 6.91 × 10⁻²½, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन टू शो अ चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इफ द सिंबल्स कैरी देयर यूजुअल मीनिंग। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की गई है, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है क्या हमें? नहीं। तो फिर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट से HA, तो किस में डिसोसिएट होगा ये? H+ + A- आयंस में डिसोसिएट होगा। वीक है तो कंप्लीट डिसोसिएशन तो हमें दिखेगा नहीं, क्या दिखेगा? पार्शियल डिसोसिएशन दिखेगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम Ka कैसे लिख सकते हैं? हम Ka लिख सकते हैं C√2/1 - α, ठीक है। अब इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, K√1 - α = C√2, और सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं C√2 + Ka√−K = 0। और हमको पता है मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की टर्म्स में हम अल्फा को क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो लेमडा एम एंड लेमडा नॉट एम की टर्म्स में ही पूछा है। तो अल्फा क्या होता है? α = λm/λ0m, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, C × λm/λ0m² + K√λm/λ0m - Ka = 0। और इसको हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो अपने पास आता है λm²C − Ka√² + Ka λm/λ0m = 0। तो ये गिवन है हमें ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर ऑब्जर्व एट 500 केल्विन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। एट इक्विलिब्रियम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों की कंसंट्रेशन दी है, हमको जस्ट क्या बताना है? के इक्विलिब्रियम KC बताना है। तो पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NH3 यानी कि NH3 क्या होगा? प्रोडक्ट साइड पर होगा, N2+H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद NH3, ठीक है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 3 से, तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस। तो KC लिखते हैं, KC = NH3 की कंसंट्रेशन का पार स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन N2 की पार 1 H2 की पार
3. अब NH3 कितना दिया है, NH3 इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर. N2 कितना दिया है, N2 इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 की पावर 1. H2 इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 का क्यूब. तो ये आ गया केसी. केसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 417. इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो केसी आ जाता है 417. वेरी इजी क्वेश्चन, सारी वैल्यूज हमें डायरेक्टली गिवन थी, उसको जस्ट सब्स्टिट्यूट करना था फॉर्मूला में. नेक्स्ट इज द पीएच एट विच MgOH twice, जिसकी केएसपी इतनी है, बिगिंस टू प्रेसिपिटेट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन कंटेनिंग Mg2+ आयंस. MgOH कैसे ब्रेक होगा, Mg2+ आयन प्लस 2 टाइम्स OH-. Mg के लिए लिखेंगे S और OH के लिए लिखेंगे 2S. तो KSP क्या आएगा इसका, S इंटू 2S का होल स्क्वायर. या फिर हम बोलें कि हमको बताना है pH, तो pH के लिए हमको क्या चाहिए, OH की कंसंट्रेशन चाहिए ना, तो इसको OH ही लिख लेते हैं, OH से डिनोट कर देते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं OH से. ठीक है, OH की कंसंट्रेशन मिल गई तो POH निकल जाएगा, POH मिल गया तो pH निकल जाएगा बड़े आराम से. तो S तो हमको दिया है, KSP भी दिया है, 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 इज इक्वल्स टू S कितना, 0.10. और OH तो हमको निकालना ही है तो OH निकालते हैं यहाँ से. OH की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, OH सोल्व करके आएगा अपने पास इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर माइनस 5. तो OH 10 रेज टू पावर माइनस 5 है तो POH कितना होगा, POH कितना होगा, POH होगा माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस. इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, log 10 रेज टू पावर माइनस 5 पावर आ जाएगी आगे, log 10 क्या होता है 1, तो POH आ जाएगा, POH विल बी इज इक्वल्स टू 5. POH पता है तो हमें पता है pH प्लस POH इज इक्वल्स टू कितना होता है 14. तो pH कितना आ जाएगा, 14 माइनस 5 दैट इज 9. pH विल बी इक्वल टू 9. ठीक है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन था. नेक्स्ट इज pH ऑफ एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 mg बेंजोइक एसिड, जिसका pKa इतना है 1 mg सोडियम बेंजोइट एंड pH हमें गिवन है तो लिख लेते हैं गिवन वैल्यूज. pH इज इक्वल्स टू 4.5. एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग बेंजोइक एसिड का pKa दिया है, एसिड का pKa दिया है 4.20 और दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, 1 मोलर 1 मोलर. हमको क्या बताना है, द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन इन 300 ml ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन. तो पहली बात तो ये बफर है, किसका बफर है, वीक एसिड जो कि कौन है, बेंजोइक एसिड C6H5COH, और साथ ही में इसका सॉल्ट है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, सोडियम बेंजोइट. ठीक है, साथ ही में इसका सॉल्ट है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. तो बफर सॉल्यूशन है, बफर का पीएच कैसे लिखते हैं, बफर का पीएच हम लिखते हैं पीएच इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है. हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए. तो किसकी वॉल्यूम पूछी है, हमसे पूछी है बेंजोइक एसिड की वॉल्यूम कि 300 ml में से कितनी होगी. अब टोटल जो मिक्सचर है अपने पास, टोटल मिक्सचर कितना है, 300 ml है. तो मान लेते हैं बेंजोइक एसिड की वॉल्यूम कितनी होगी, XML होगी, तो बची हुई किसकी होगी, सोडियम बेंजोइट यानी कि सॉल्ट की होगी. तो सॉल्ट की कितनी होगी, 300 माइनस XML होगी. तो सॉल्ट की जगह सॉल्ट की वॉल्यूम रखते हैं और एसिड की जगह एसिड की वॉल्यूम रखते हैं. pH पता है हमें 4.5 है, pKa 4.20 है. सॉल्ट के लिए रख देते हैं 300 माइनस एक्स और एसिड के लिए रख देते हैं एक्स. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 300 माइनस एक्स
बाय एक्स इज इक्वल्स टू टू, और वॉल्यूम एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 100 ml, और एक्स ही हमने मानी थी किसके लिए, बेंजोइक एसिड के लिए, और एक्स की वैल्यू पूछी है, तो बेंजोइक एसिड कितना होगा टोटल सॉल्यूशन में, 100 ml। ओके नेक्स्ट इज के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है वीक एसिड के लिए, के फॉर एसिटिक एसिड इज 1.8 × 10⁻⁵। के भी दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के लिए 1.8 × 10⁻⁵। द पी एच ऑफ अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन विल बी, तो वीक एसिड और वीक बेस को क्या मिला के क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जो कि कौन है, अमोनियम एसीटेट NH4+CH3COO-। तो पी एच निकालना है हमें वीक एसिड और वीक बेस का, तो पी एच किसके बराबर होता है, हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। पी एच निकालना है हाफ पी के डब्ल्यू 14, पी के दिया है हमको 1.8 × 10⁻⁵ माइनस पी के बी कितना है 1। अच्छा दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही दे दिए, दोनों वैल्यू सेम है, के एंड के बी दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, पी एच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 14 दैट इज 7। तो क्या बनेगा, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाएगा पूरा का पूरा। ओके तो जो ये हमारी पी वाई क्यू सीरीज चल रही है, अगर आप चाहते हैं 2024 के सारे पी वाई क्यूज आपको एक ही जगह मिल जाए विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, तो आप परचेस कर सकते हैं करियर पॉइंट की पी वाई क्यू सीरीज की बुक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में अवेलेबल है, परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा एक रैंकर्स पैकेज करके बुक लॉन्च की गई है करियर पॉइंट की तरफ से, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 3000+ questions जिनकी हेल्प लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना रैंक इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द सेशन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो कि जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।